दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये कमाल का फॉर्मेट आप भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक डाटा है और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल लिखा हुआ है, और हम जिस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो डाटा ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। जैसे थर्ड वाले स्टूडेंट को हाईलाइट करना है, थर्ड पर क्लिक करेंगे। फेल वाले स्टूडेंट को हाईलाइट करना है, फेल पर क्लिक करेंगे, और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक डाटा हाईलाइट होगा। फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट डिविजन वाले सारे स्टूडेंट का डाटा हाईलाइट होगा। तो ये फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, उसके लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ अहमद है, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल तौसीफ एडू वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक नया शीट लेंगे, और यहाँ से हम टोटल 6 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और नीचे जहां तक आपको रो लेना है वहां तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में इस पर बॉर्डर अप्लाई करना है, तो बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में आएंगे और यहां से ऑल बॉर्डर्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो इन सभी पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें हमें नंबर टाइप करना है, जैसे 15 से लेके 80 या फिर 90 के बीच में नंबर रखना है। तो मैनुअल करेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए सबसे पहले इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू रैंक बिटवीन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर बॉटम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सबसे कम जो नंबर रखना है, जैसे हम 15 रखना चाहते हैं, वो नंबर डालेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद टॉप नंबर कितना रखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर 85 रख लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, और एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 से लेके 85 के बीच में ऑटोमेटिक यहां पर रैंडम नंबर जनरेट हो गया है। अब ये एक फॉर्मूला है, जब भी एंटर करेंगे तो बार बार नंबर चेंज होगा, तो इसे फिक्स करना होगा। फिर से इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा, और फिर से कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और वी एक साथ प्रेस करेंगे, यहां से वैल्यूज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो अब ये नंबर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे सिलेक्ट करेंगे, यहां से सेंटर अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहां पर ऑप्शन बटन इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए हमें डेवलपर टैब में आना होगा, यहां पर इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप इस ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद में इस रो का हाइट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, इसे बीच में कर लेंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पर जो ऑप्शन बटन लिखा हुआ है इसे हटाएंगे, और यहाँ पर पहले हम फेल टाइप करेंगे। फेल टाइप कर लेने के बाद में अब इसी ऑप्शन बटन पर राइट क्लिक करना है, नीचे फॉर्मेट कंट्रोल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आपको इस ऑप्शन बटन से किसी सेल को लिंक करना होगा। तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे सेल लिंक वाले ऑप्शन पर, और किसी एक सेल को लिंक कर देंगे, जैसे हम यहाँ से J1 सेल को लिंक कर देते हैं। उसके बाद 3D शेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब उसके बाद में हमें इसका दूसरा कॉपी करना है, अगले सेल में कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ R बटन प्रेस करेंगे, फिर अगले सेल में कर्सर रखेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ R बटन प्रेस करेंगे, और उसी तरह से अगले सेल में कर्सर रखे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ R बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इसे एडिट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर फेल है तो इसको थर्ड लिखेंगे, अगले वाले ऑप्शन बटन को एडिट करेंगे, और यहाँ पर फेल को हटा के सेकेंड टाइप करेंगे, और अगले वाले ऑप्शन बटन को फिर से एडिट करेंगे और इसको फर्स्ट टाइप करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि चारों ऑप्शन बटन आ गया है, और जिस ऑप्शन बटन पर आप क्लिक कर रहे हैं वो नंबर यहाँ पर जनरेट हो रहा है। जैसे पहला ऑप्शन बटन है तो 1, थर्ड वाले दूसरे ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो 2, तीसरे वाले पर करेंगे तो 3, और उसके बाद चौथे वाले पर करेंगे तो यहाँ पर 4 रिटर्न करेगा। अब उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है, तो उससे पहले इस रो को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में आएंगे और यहाँ से कोई एक कलर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये जो कलर है ये कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में ऐसे तो फॉर्मूला हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाना है, लेकिन हम यहाँ पर सेल में फॉर्मूला लगा के आपको दिखा देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू चूज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स नंबर चाहिए, तो इंडेक्स नंबर के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो भी नंबर जनरेट होगा यहाँ पर इंडेक्स नंबर हो जाएगा, और इस सेल को फ्रीज कर देंगे, कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे फ्रीज हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे क्या इसमें लेस देन 30 नंबर है, कॉमा लगाएंगे। फिर से अब यहाँ पर दूसरा लॉजिक चेक करना होगा, तो हम यहाँ पर एंड का फंक्शन लगाएंगे और इसमें लॉजिक चेक करेंगे इस सेल में जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, कॉमा लगाएंगे, और फिर से इस सेल में चेक करेंगे कि क्या इस सेल में जो वैल्यू है वो लेस देन 45 है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब पहला लॉजिक चेक हो जाएगा, अगर 30 से कम होगा उसके लिए तो हो गया, लेकिन 30 से ज्यादा कहां तक, 45 तक जो नंबर होगा उसको भी चेक कर लेगा। आगे फिर से हमें चेक करना है, फिर से एंड लगाएंगे और यहां पर तीसरा लॉजिक चेक करेंगे इस सेल में जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है या
या फिर दूसरा लॉजिक चेक कीजिए कि क्या इसी सेल में जो नंबर है वो लेस देन 70 है। यहाँ पर तीन लॉजिक पूरा हो गया है, एक और लॉजिक लगाएंगे, उसके लिए एंड का फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर फिर से इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे क्या इस सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है। तो 70 से ऊपर वाला भी चेक हो जाएगा कहाँ तक, तो फिर से इसी सेल को सेलेक्ट करना है और लेस देन 100 टाइप करना है, दो बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो लॉजिकल टेस्टिंग हो रहा है, सबसे पहले 30 से कम नंबर वाले डाटा को हाईलाइट करेगा, उसके बाद 30 से ज्यादा लेकिन 45 से कम वालों को हाईलाइट करेगा, उसके आगे जो है 45 से ज्यादा लेकिन 70 से कम वाले नंबर को हाईलाइट करेगा, उसके बाद जो है 70 से ज्यादा लेकिन 100 से कम वाले नंबर को हाईलाइट करेगा। बस एंटर करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट आएगा, लेकिन इसी फॉर्मूला को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे, बस यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम फॉर्मूला टाइप किए थे, असल में ये फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके लगेगा। तो सबसे पहले जिस डाटा को हाईलाइट करना है, जैसे हमें इस पूरे डाटा को हाईलाइट करना है, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है यूज अ फॉर्मूला वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेम इसी फॉर्मूला को कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। जो भी फॉर्मूला था वो यहाँ पर पूरा हो गया है, तो हम यहाँ पर फॉर्मेट करेंगे जिस कलर से भी फॉर्मेट करना है। जैसे हम फिल कलर में डार्क ग्रीन कलर लेना चाहते हैं तो मोर कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डार्क ग्रीन वाले कलर को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। फॉन्ट कलर को हम यहाँ से व्हाइट रखना चाहते हैं तो फॉन्ट टाइप में आएंगे, यहाँ से कलर को व्हाइट करेंगे और ओके करेंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि डाटा आपका ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। जैसे सेकंड डिवीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक सेकंड वाला सारा डाटा हाईलाइट हो रहा है। थर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि थर्ड वाला सारा डाटा हाईलाइट हो रहा है। उसी तरह से फेल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फेल वाला सारा डाटा हाईलाइट होगा। तो आप इस तरह से अलग अलग नंबर को, अलग अलग डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो वीडियो होगा इसमें हम अलग अलग कलर डालेंगे, जैसे फर्स्ट डिवीजन के लिए ग्रीन कलर, सेकंड डिवीजन के लिए ब्लू कलर, थर्ड के लिए येलो कलर और फेल के लिए रेड कलर। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा अगला जो वीडियो आएगा वो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों मेरा ऑफलाइन कंप्यूटर क्लास भी चलता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से चलता है और मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, जैसे लैब या फिर वीडियो क्लास करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और जो भी कोर्स करना है आप वहां से एनरोल करके कंप्यूटर का बेसिक से एडवांस लेवल तक का कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।